चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको बताएं कि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तबियत में सुधार हुआ है। सीएम ने फोन पर कैबिनेट मंत्री का हालचाल जाना है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बात की है। अचानक तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। जगाधरी के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है उनका। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तबियत अचानक से बिगड़ गई थी और अब हालांकि बताया जा रहा है कि उनकी तबियत में सुधार है। सीएम ने फोन करके कैबिनेट मंत्री का हालचाल जाना है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बातचीत की है। अचानक तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि अब उनकी हालत जो है उसमें सुधार है, उनकी तबियत सही बताई जा रही है। जगाधरी के निजी अस्पताल में उनका इलाज किया गया है। तो बता दें आपको, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अचानक से तबियत बिगड़ गई। सीएम ने फोन पर कैबिनेट मंत्री का हालचाल लिया इस दौरान, और हालांकि अब बताया जा रहा है कि कंवरपाल गुर्जर की तबियत में सुधार हुआ है। अचानक से तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उस दौरान की तस्वीरें हैं। हालांकि अब बताया जा रहा है कि हालत में सुधार है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जब अचानक से कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तबियत बिगड़ गई और उनकी तबियत बिगड़ने पर तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। जगाधरी के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। सीएम ने फोन पर उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही इलाज के बाद अब कंवरपाल गुर्जर जो हैं उनकी तबीयत में सुधार हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अचानक से तबियत बिगड़ने पर तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जगाधरी के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चला। हालांकि अब बताया जा रहा है कि तबियत में उनकी सुधार हुआ है। और इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी फोन करके उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री का ट्वीट भी सामने आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया, मंत्रिमंडल में मेरे साथी हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी के अस्वस्थ होने से चिंतित हूं। उन्होंने लिखा कि उनसे फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की है और अति शीघ्र स्वस्थ होने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि वह अति शीघ्र स्वस्थ होकर जनसेवा में जुटने की मैं उनकी कामना करता हूं। ये ट्वीट जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सामने आया है। इंजेक्शन की वजह से काफी देर खड़े रहे, हो सकता है खड़े हो, कुछ बीपी कम हो गया हो, तो ऊपर हो गया। बाकी चीज़ों के लिए टेस्ट कर रहे हैं, अभी हम सीटी स्कैन कर रहे हैं, दूसरे टेस्ट भी करेंगे। इसी चीज़ उनकी नॉर्मल है, हार्ट वाले कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, स्टेबल है बिल्कुल, कोई ऐसी बात तो सर अटैक ही क्या? नहीं नहीं, हार्ट अटैक वाले कोई बात ही नहीं है, कोई छाते में दर्द ही नहीं है, हम तो हार्ट अटैक में पूछ रहे हैं। सर क्या प्रॉब्लम क्या हुई? कुछ एग्जेशन की वजह से हो जाता है, कई बार बंदा खाली देर खड़ा रहता है तो बीपी उसमें चक्कर आ जाते हैं। दो मिनट एक सेकंड के लिए उनको थोड़ा सा इनको कल प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, होपफुली सब ठीक है। आज उनका जो वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रोग्राम था हथनीकुंड बराज में, उसमें हमें खबर मिली कि वो बेहोश हो गए हैं। तो हम उनको एक कार्डिक इवेंट के मद्देनज़र देखते हुए हम इनको गाबा अस्पताल में ले आए। डॉक्टर गाबा से मेरी पहले ही बात हो गई थी फ़ोन पर, और इन्होंने सभी उसका जो टेस्ट है उनके मंत्री जी के वो किए हैं, और उनकी नॉर्मल रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई हर्ट की कोई समस्या नहीं है। ये थोड़ा थकावट की वजह से या ज़्यादा बिजी होने की वजह से थोड़ा सा सिंकोपल अटैक था। बाकी इनकी जो आगे की जांच है, सीटी स्कैन वगैरह, उसके बारे में डॉक्टर गाबा डिटेल में बताएंगे। अभी नागढ़ में प्रोग्राम था तो उसमें चक्कर आ गया मंत्री जी को, वैसे ठीक है, नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर वगैरह सब भी अभी ठीक है। तो बात वगैरह हो रही है? हाँ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं अभी गार्ड इसे एम्बुलेंस से नीचे उतरे, जब क्या ठीक हूँ मैं, खुद कहा उन्होंने। तो क्या बता रहे हैं?
करे वैसे ही चक्कर आ गया, कोई अभी टेस्ट वगैरह हो रहा है उससे पता चला का सही तो।